जिनवाणी माँ, हे सरस्वती देवी, हे सुत देवता, सरस्वती माँ, हम लोग छहढाला का स्वाध्याय करने बैठे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, आज्ञा दीजिए। मुनि शंके समस्त देवताओं, पुष्पगिरि तीर्थ के समस्त देवी देवताओं, समस्त प्रतिमाओं के यक्ष यक्षिणी, ज्ञान की वृद्धि हेतु आप सभी आमंत्रित हैं, आइए लाभ लीजिए। है विमल सागर जी महाराज, हरत सागर जी महाराज, भूमि प्रदाता सवाई लाल जी, पदम श्री माता जी, अन्य उनके परिवार के लोग, हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, आइए आप भी लाभ लीजिए। तीन भुवन में सारो बीति राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव का नमः, योगी संहार के नमः, त्रियोगी संहार के नमः, त्रियोगी संहार के आचार्य पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत छहढाला का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है बीतराग विज्ञानता। जैन दर्शन का मौलिक शब्द है, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता, और कदाचित कहीं दिख भी जाए तो समझना कि जैन दर्शन के मौलिक शब्द की व्याख्या है। बीतराग विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, वह परमात्मा का स्वरूप, जीवन की नियति और परम सुख की प्रेरणा देता है। या परमात्मा कौन हो सकता है, परमात्मा के लक्षण क्या हो सकते हैं, परमात्मा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं और परमात्मा का स्वरूप क्या है, बीतरागता यानी बीतराग विशेषण से परमात्मा तत्व समझ में आता है। जहाँ जहाँ राग है, द्वेष है, कषाय है, ममत्व परिणाम है, वहाँ वहाँ बीतरागता को रहने के लिए स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरे को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आप अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा। जहाँ जहाँ क्षीर सागर का जल है वहाँ त्रस्त जीवों की उत्पत्ति का कोई भी स्थान नहीं है। ये अपने दिमाग में। जहाँ जहाँ स्वर्ग की चर्चा हो वहाँ वहाँ गर्भ से उत्पन्न होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जहाँ जहाँ नरक की चर्चा हो तो वहाँ तिलतुस मांस सुख की भी कल्पना व्यर्थ है। ये तो समझ में आ गई ना बात आप लोग। तो वीतरागता कहाँ पर उपस्थित होगी, जहाँ पर निष्प्रयता उत्पन्न हो, समत्व भाव उत्पन्न हो, परिचय सहिष्णुता उत्पन्न हो, वहाँ पे वीतरागता के आपको दर्शन होंगे, अन्यथा आपको नहीं होंगे। तो पूरे जगत के अंदर अनंतानंद जो प्राणियाँ हैं
जितनी इच्छाएं हैं उतने पदार्थ हैं, जितने जीव हैं उससे अनंत अनंत गुना उनकी पर्याय हैं, जितनी पृथ्वी है उससे भी अनंत गुना वनस्पति है लोक में, उन सभी चीज़ों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो ग्रहण करने के योग है और उसका नाम है वितरता। विज्ञान है चिंतन, वस्तु नहीं है, पांडित्य का प्रदर्शन भी नहीं है, है ना? जीने का एक ढंग है, उसमें ढोंग नहीं है, ये बिल्कुल है ना, एकांत है, एकांत तक नहीं है, नहीं समझे आप? एकांत है, एकांत तक नहीं, एकलता नहीं है, नहीं समझे अर्थ? समझना पड़ेगा इस बात को। दो दो तत्व हमारे सामने है, क्योंकि वितरकता का लक्षण हमें समझ में आना चाहिए। एकलता का अर्थ होता है कि घर के सारे लोग चले गए, वो अकेला है, तू एकांत नहीं हुआ। एकलता हुई वो उग्र भी हो रहा है, कसाय से भी भर रहा है, व्यग्रता से भी भर रहा है, कह के गए थे घंटे में आ जाएंगे, 3 घंटे हो गए, मेरे को पहरेदार बना करके बैठा गए हैं, आया जी। यूं समझ लें आप, इसको अपन फिर से और अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको ये शब्द दिमाग में बने रहें, तो आपको वितरकता का लक्षण पता लग जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा, देखने से नहीं लगेगा, देखने से तो लगेगा वितरागी है, लेकिन भीतर के भी गुण का हमें कुछ जानकारियां, इन्फॉर्मेशंस होना चाहिए, इनपुट में क्या है, आउटपुट से तो सब लगता है कनेक्शन ठीक है और करंट ही नहीं है, फिर क्या हुआ? इनपुट में करंट ना हो और आउटपुट में सारा सिस्टम हो तो बिजली तो नहीं चलेगी, है ना? एक करोड़पति अरबपति है, वो शुगर की बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी विदेश में है तो उससे मिलने गई, बेटा क्लब में चला गया, बहू घूमने के लिए निकल गई, कोठी बहुत बड़ी है और भाई उसके व्यापार में मस्त हैं, रिश्तेदार आ नहीं सकते क्योंकि अहंकारी हैं। ऐसी स्थिति में सुख किसे कहोगे आप? क्या वो करोड़पति अमीर पति अरब पति क्या सुखी है? नहीं। अकेला पलंग पे सड़ रहा है, शुगर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, ब्लड प्रेशर उसका डाउन है, अब वो क्या करे? तो एकलता में व्यक्ति व्यग्रता से, उग्रता से, भोग लालसा से, सहारे की चाह से, प्रेम की, स्नेह की इच्छा से व्यग्र है, लेकिन कोई नहीं है, एकलता है ये, इसे आप सन्यासी नहीं कहेंगे। हम अपनी व्यवस्था बना के जंगल में चले जाए, जंगल वाले साधु हो जाएं, लेकिन विक्रता तो होगी कि आज एक भी शरावक नहीं आया, आज चौके वाले चौका लेके नहीं आए अभी तक, जबकि खाना 9:30 बजे खाना है और उन्हें देखा कि 6 बजे बनाएंगे कब? अब वितरकता का खोजिए आप, आ गई ना विक्रता, है ना? अंतस में क्या चल रहा है? जंगल में बैठा है, आज तो कोई आया नहीं, रात के भैया वृत्ति वाला भी नहीं आया,
रात के सोने वाला भी कोई नहीं आया, जंगल का मामला कैसे लोगे, मुझे बैठा लिया, व्यवस्था ही पूरी नहीं की, ये क्या चीज़ हो गई? तो क्या वीतरागता है? नहीं है ये। भले हो तुम जंगल में जा रहे हो, तस्वीर खींच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, चार दिन से बुला रहा है, पांचवें दिन आए कैमरा लेकर के, एक दिन हिरन तो झुंड खड़ा था यहाँ पर, तुम तो थे ही नहीं, तो फोटो खींच जाती, ये क्या हो गया? हो जंगल वाले बाबा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वही कीड़े मकोड़े चल रहे हैं जो पेड़ों में लगे हैं, वो अभी तुम्हारे अंदर की वीतरागता नहीं आई। तुम व्यवस्था के साथ जंगल में जाके बैठे हो, समता के साथ नहीं बैठे, दोनों शब्द समझ लीजिए आप, व्यवस्था के साथ हो लेकिन समता के साथ तो नहीं, ये एकलता का लक्षण है। अब एकांतता, एकांतता क्या है? योगी एकलता में आता है तो अपने से टूटता है, स्वयं के एकांत में आता है तो स्वयं से जुड़ता है। एकलता में क्या करेगा? टूटेगा, टूट गया, घर में कोई नहीं है मेरा, मैं मर चुका, मर जाता तो मुंह भी देखने नहीं मिलता आप लोगों को, कहाँ चले जाते हैं, जहर दे दो तो अच्छा। ये कौन बोल रहा? एकलता बोल रही। और जो एकांत स्वयं के एकांत में है वो तो आत्मा के रस में डूबा हुआ है। तो दोनों चीजें हमारे सामने होना चाहिए। वीतरागता का लक्षण तो निकाल लो आप। अगर हमें चिंता बाहर वालों की हो रही है, अगर हमें चिंता भक्तों की हो रही है, तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो अपने केंद्र तक नहीं पहुंचा। भोरा उतनी देर तक भन भन करेगा जब तक फूल पे नहीं बैठेगा, और जैसे ही फूल का रस लेगा तो भोरे की आवाज़ नहीं आती। खटमल उतनी देर तक दौड़ लगाता जब तक उसने खून चूसना प्रारंभ नहीं किया, फिर तो इतना मोटा हो जाता है कि वहीं पड़ा रहता है ना। तो वीतरागता का मतलब कि जो अपने एकांत में आकर के अपनी रोशनी में सारे जगत को देख रहा है, डॉक्टर साहब, जो अपने एकांत में आकर अपनी प्रज्ञा की परम ज्ञान की रोशनी में सारे विश्व के सारे पदार्थों को, सारी प्रयाओं को, त्रिकालदर्शी उत्पन्न होने वाली प्रयाओं को देख रहा है, वह है वीतरागता। और उस वीतरागता का उतना अंश तो हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। एक चिंतन किया, सुशील जी को मैंने सवेरे बताया, आप भी डॉक्टर साहब डीन रहे, प्रोफेसर रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो साहित्याचार्य बैठी हैं, साहित्य करके बैठी हैं, इनकी रामकली हैं, धर्मपत्नी हैं, है ना, यहाँ तो बहुत बड़ा जोड़ है। ये वीरेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे, उनकी धर्मपति रेणु बिचारी कहती हैं पाल पाँव की धूल हूँ आप चलो, लेकिन वीरेंद्र वीर और इंद्र डबल, इधर देखो हमारे बगल में दीप ने? हाँ रोशनी दे रहे, मुस्कुराहट जरूर है लेकिन दीपक जी बैठे। नाम के अनुरूप चले तो महावीर, और नाम के विरूप चले तो महावीर नहीं हो सकता। नाम नहीं पूछता, गुण पूछता है और चरित्र पूछा जाता है, है ना। तो वीतरागता का लक्षण हुआ कि आप समुद्र के जल को किसी कोने से चखो तो कैसा? खारा। क्षीर सागर के जल को किसी भी कोने चखो तो कैसा? मोटा। रागी को हमेशा चखोगे तो समुद्र की तरह खारा, और वीतरागी को अगर चखोगे तो क्षीर सागर के जल जैसा मीठा। मिश्री को कहीं से तोड़ के खाओ तो मीठी, और ककड़ी को खाओ तो कहीं मीठी और कहीं कड़वी, है ना।
वो श्रावक का लक्षण है, कहीं मीठा कवि, और जो आसक्त है तो उसकी कहानी अलग है। जो प्रवृत्ति से, निवृत्ति से, आसक्ति से मुक्त है वो भी त्यागी है। नोट करना चाहे नोट करें, जो प्रवृत्ति से एक, निवृत्ति से दो, आसक्ति से तीन, निवृत्त है अरे मुक्त है तीनों से, वो कौन? फिर से, प्रवृत्ति से, निवृत्ति से और आसक्ति से पूर्ण मुक्त है वो कौन हो गया? अब वितरागते की परिभाषा, अब प्रवृत्ति किसे कहेंगे? प्रवृत्ति किसे कहेंगे? आदत में नहीं, ये हमारा आध्यात्मिक शब्द है प्रवृत्ति। मैं बता रहा हूं प्रवृत्ति, मुझे बाजार जाना है, सब्जी लाना है, सामान लाना है, झोला लेना प्रवृत्ति है, पैसे लेना प्रवृत्ति है, कपड़े पहनना प्रवृत्ति है, गाड़ी लेके जाना प्रवृत्ति है, दुकान में जाके वस्तु छांटना प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति राग देश आत्मा के। मुझे अच्छी अच्छी भिंडी छोटी छोटी लेना है, बड़ी नहीं लूँगा, बड़ी के प्रति नफरत है, दो पैसे ज़्यादा ले लेकिन वो बड़ी वाली मत रख। आ गया? ये क्या है? प्रवृत्ति का काल है। किसका काल है? मुझे मुझे ऑफिस तक जाना है, प्रवृत्ति का काल है वो। मुझे ऑफिस से आना है, प्रवृत्ति का काल है ये प्रवृत्ति। अब निवृत्ति का काल कौन सा होगा? नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी सोच अलग है, मेरा चिंतन अलग है। अब निवृत्ति का काल कौन है? ऑफिस से गए, जो आदमी ऑफिस जाएगा थकेगा कि नहीं? जो आदमी ऑफिस गया खाना खाएगा कि नहीं? जो आदमी ऑफिस गया वो आराम करेगा कि नहीं? है तो ऑफिस गए, काम किया और ऑफिस से लौट करके जो विश्राम किया वो निवृत्ति है ना। अब वो क्या हो गया? वो उतनी देर की है, त्याग वाली नहीं है, है ना। कितनी देर की? खिलाड़ी खेलने गया, सभी प्रकार की प्रवृत्ति की, हार हुई जीत हुई, है ना, और जैसे ही फील्ड से लौटा और कमरे पे आया सो रहा, ये क्या है? ये निवृत्ति हो गई। अब उसको कोई टेंशन जाने की, अभी तो खाली सपने देखना है, बस देख रहा है। तो एक प्रवृत्ति का काल और एक निवृत्ति का काल। अब तीसरा उदाहरण आसक्ति, उसको मैं अपनी भाषा में जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम क्या? आसक्ति। अब आसक्ति की परिभाषा कैसे बनाएंगे अपन लोग? डॉक्टर साहब, आसक्ति की परिभाषा कैसे बनाएंगी? देख रहा हूँ बहुत मस्त आपके लिए दे रहा हूँ मैं चिंतन का विषय, ताकि आप वितरागता के लक्षण तो पहचाने, भीड़ को देख करके निर्णय मत करना कभी, ये ध्यान रखना। अब आसक्ति कैसे? 90 साल का है, 90 साल का दांत है ही नहीं, चने कूट के दे दो चने, ये क्या चीज है? मर रहा है, दांत नहीं है लेकिन राग नहीं जा रहा उस चने का वो क्या हुआ? भले नहीं पचे, दस्त लगे, चल नहीं सकता, भले सेवक सब समझ रहे सुशील जी बराबर आसक्ति है ना, डायबिटीज की बीमारी है, शुगर कितनी? 1100
आज रबड़ी नहीं बनाई, थोड़ी सी तो बना देती मेरे लिए, ये क्या है? उम्र कितनी है? 105 साल। ये क्या है? आसक्ति है ना? और बता रहा हूँ, सुन ले आप, आसक्ति को समझ ले आप, क्योंकि उसी से आपका पाला पड़ता है। दोनों पांव टूटे हैं, कौन सी पिक्चर लगी? कौन सी बाहुबली? सीढ़ी नहीं ला सकता एक? 111 वर्ष की उम्र है, आंखें जवाब दे रही हैं, बड़ा लेंस लगा, दूरबीन लगा कर देखा। ये क्या है सब? अने जहां शरीर शिथिल पड़ गया, आंखें कमजोर पड़ गई, शरीर ने जवाब दे दिया, वो सब क्या चीजें हो गई हम? और फिर भी पदार्थों को प्राप्त करने की जो लालसा है वो क्या है? आसक्ति। वेरी गुड। देखो पहली बार बैठे सीख गए है ना? कितना मैं आपको सिद्धांत की भाषा सिखाऊं तो आप नहीं सीख सकते, और जितने साधु सिद्धांत पढ़ा रहे ना, बस रघुपति राघव राजा राम कोई नहीं आता क्या करे काम। कितना ताजुब लग रहा है कि कितनी आसक्ति हो गई तुम्हें अपनी भीतरागता से। अभी इंदौर में चतुर्मास हो रहा है, तो जिस मंदिर में चतुर्मास है उस मंदिर में छेतपाल पद्माती और उनकी सबकी तस्वीरें, साधुओं ने उस मंदिर में जाना ही बंद कर दिया। हम उस मंदिर में दर्शन ही नहीं करेंगे भगवान के। अरे भगवान के साथ तो अष्टप्रातिया भी चल रहा है, जिस मंदिर में जाओ तो आगे सबसे पहले नाचते हुए ढोल बजाते हुए देवांगनाएं मिलती हैं, देवता मिलते हैं, मिलते कि नहीं? हाँ वही मिलते हैं। खजुराहो के मंदिर में आप जाएं तो बाहर तो सब नर्तकी और वो आसन मिलेंगे शख्स के भीतर। मुझसे किसी ने कहा दैट इज इंडियन कल्चर वेरी बैड, तो मैंने आप उससे पूछा डू यू नो इंडियन कल्चर, बोले आई नो वेरी वेल, अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने कहा यू नेवर नो, तुम समझ ही नहीं सकते कभी। मैंने कहा ये कल्चर जो है परमात्मा उसका है जिसने इन आसक्तियों को छोड़ा है, दीवालों को जिसने छोड़ा है, और तो जिनके कर्म का दीवाला निकल गया भीतर जाओ, वो उधर बैठे। अब तुम दीवालों में अटक गए तो कैसे तुम पहचानोगे, है कि नहीं? तो आसक्ति जाओगे तुम बाहर ही खड़े रहोगे। समोसरण में जाने के पहले नाट्यशालाएं बनी है, 12 कोटे पार करना पड़ते हैं, और नाट्यशाला की क्या जरूरत थी तीर्थंकर को? हमसे पूछा आपके बगीचे में आप इतने बड़े संतों के ऐसी प्रतिमाएं लगा रखी हैं, आप अपने स्टेचू बना रखे, हमने आपको तकलीफ क्या है? पूछा आपको तकलीफ क्या? बोले यहाँ से निकलने में शर्म लग रही। तो हमने कहा टीवी देखने में शर्म महसूस की कभी? बोले आपसे कौन बोले। घर में टीवी देखने में शर्म नहीं आ रही? जो चलचित्र दिल दिमाग घर की मर्यादा को भंग कर रहे, और ये चित्र तुम्हें दिखा रहे कि भीतर है भगवान, बाहर तो ऐसी मिलेगा तुम कहीं भी जाओ, बाहर तो इससे ज़्यादा गंदा है, ये तो कुछ भी नहीं है। आज आपने बताया ना क्या था, गाय का बच्चा, एक लड़के ने गाय के बच्चे से रेप किया, बछड़े से, पुलिस ढूंढ रही। आसक्ति, इसको क्या कहेंगे? आसक्ति। अब आप देखिए अपने दिल दिमाग में किस किस के प्रति आपके पास आकर्षित होती है। आपने कह दिया मैं 9 बजे के पहले नहीं मिलूंगा, और आपका कोई परिचित आया तो आपने तुरंत बोले मैं अभी खोलता हूँ आ जाओ भीतर, तो आसक्ति नहीं है, रागांश नहीं है, है? फिर पीछे के दरवाजे से ले जाओगे, बोले महाराज तो भैया वृत्ति नहीं करा था, लेकिन जो खास आता तब क्या होता है? होती कि नहीं? तो आपकी भीतरागता कैसी है? प्लीज सीनियर, सीनियर का यही अर्थ होता है डॉक्टर साहब, सीनियर
तू अपने भीतर देख, तब सीनियर है, नहीं तो काय का सीनियर। शब्द शब्द से खेलना पड़ता है, शब्द को उघाड़ना पड़ता है, शब्द को प्याज की तरह छीलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी सो अंदर से कुछ मिल जाएगा, है ना। तो प्रवृत्ति निवृत्ति और आसक्ति से रहित बीत रखता ही सार है। सार का मतलब आया समझ में, निचोड़। एक ऐसा अमृत कि शंकर ने जब समुद्र का मंथन किया तो अमृतों को देवों को बांट दिया। किसको बांटा? और जो विष बचा पी लिया, उसका मतलब जानते क्या होता, कि वो सिद्ध शिला पे आने, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे पहुंच गया, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। बोले भैया तुमने जिंदगी अनंत अनंत काल से संसार में हूँ, बहुत चला कष्ट दिए, अब मैं अपने आप ही यहाँ से विदा होकर के वहीं जाके ठहर जाता हूँ, अब नहीं चलूँगा। ये अर्थ है उसका, लोग समझ ही नहीं पा रहे, उत्तर ही नहीं दे पा रहे। अब मेरा आवागमन खत्म है, क्योंकि जिन कारणों से होता तो वो कारण मैंने निकाल दिए। बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, देखिए वितरकता कैसे घटित होगी वो बस ध्यान रखना, मैं जिस शब्द को लेके बोल रहा हूँ। बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप देव हैं? नहीं। आप मनुष्य हैं? नहीं। आप विद्वान हैं? नहीं। आप मूर्ख हैं? नहीं। आप तिर्यंच हैं? नहीं। आप स्त्री हैं? नहीं। आप जानवर हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, पशु हैं? नहीं। बोले तो आप पागल हैं? बोले नहीं। बोले आप ज्ञानी हैं? नहीं। बोले किस पागल से पाला पड़ गया? बुद्ध मुस्कुराए, आप हैं क्या? मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। उत्तर आ गया, यह बीत रखता है। इतनी बातों के बाद भी उग्र नहीं हुए बुद्ध, है ना। आप एक कमरे में एक बल्ब के नीचे हजारों को बिठाल दो तो बल्ब नाराज नहीं होगा कभी, हो तो बता देना मुझे। हैं चाचा चौधरी, लोग बड़े जलते हैं, बोले पुष्पन सागर को पप्पू चाचा चौधरी के अलावा कुछ आता क्या है? हम मजाक नहीं बोलते हैं। चाचा चौधरी कमरे में थे, अचानक बहुत तेज पानी गिरा, एक गधा आके खड़ा हो गया। तो देखा उन्होंने कि गधा यार कुछ हिलने डुलने की आवाज क्या है, देखा गधा है। तो उन्होंने जो उनके घर में थे पत्नी वगैरह, तो उन्होंने क्या कर रहे हो? पानी आ रहा है और वो गधा है। बोले गधा भीग रहा है, उसको भीतर कर लिया। अब जैसे ही गधा भीतर गया तो एक गाय खड़ी थी, उसने देखा यहाँ तो रास्ता है, गधे को पानी से बचा तो मुझे बचाए, तो गाय आके खड़ी हो, तो उसने गाय को भी भीतर कर लिया। अब गाय भीतर गई तो बकरियां आ गई, उसने बकरी को भी भीतर कर लिया। अब बकरी वहां से भीतर गई तो थोड़ी देर में तो मुर्गियां आ गई, तो उसने मुर्गियों को भी भीतर कर लिया। तो पत्नी बोले भाई तू कर क्या रहा है, हम लोग कहाँ रहेंगे? बोले घबराओ मत, सब यहीं रहेंगे। थोड़ी देर में देखा तो और कुछ पक्षी भी आ गए, कमरा भरने लगा, और वो एक एक को जगह, तो कोई यहाँ लटक गया, कोई यहाँ लटक गया, लटक गया। उसने अपने बच्चे को उठाया तो गाय के बच्चे पे बिठा दिया, गाय पे, एक बच्चे को उठाया तो गधे पे, एक को लेके, दो को लेके कंधे में बैठा, कोने में खड़ा हो गया। पत्नी से कहा तू बकरी या गाय के नीचे बैठ जाओ, जगह खाली। ये क्या है बीत रखता कि उसने सबको जगा दी। अगर आपको बीत रखता देखनी है, अच्छा अहिंसक श्रावक देखना है, तो जिस समय नींबू का रस निकाला उसका चरित्र इतना निचोड़ रहा कि एक बूंद ना रह जाए, कितनी तीव्र कसा है वो, बोलो। नींबू को डाक साहब आखिरी तक
और कुछ तो ऐसे कि नींबू को निचोड़ी के पानी में डाल के फिर निचोड़ेंगे, ये कैसी वितरकता? वितरकता वह है जहां अपने और तेरे का भाव ना हो। और एक लक्षण, अगर कुत्ता जा रहा सड़क पे मरा तो आपने कहा किसने मारा देखो उसको, मालूम है 10,000 का लाया था कुत्ता, रिपोर्ट लिखाने गया और बोले अपना नहीं, अपना तो घर में, बोले जाने दो अपना साधु आए तो गले मिलो, दूसरे का है तो बोले भाग लो, ये कौन सी वितरकता भाई, है ना? ये वितरकता नहीं है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। अब मंदिर से आप नहीं जा रहे, भगवान नहीं दिख रहे आपको, खाली छेदपाल पद्माती दिख रहा है, और इधर कॉलोनी के मंदिर में आए तो हाल में सब तरफ सभी मुनियों के, बोले इसमें भी नहीं बैठेंगे, बोले क्यों, बोले ये सब फोटो लगी इनको निकालो तब बैठेंगे। अब बताओ कहाँ जाए आदमी, कहाँ से, ये कैसी वितरागता, ये कैसा त्याग, ये कैसा समत्व भाव, है ना? इधर तो वितरागी कह रहे हो, चतुर्थ काल का कह रहे हो, अपने को अंतर्मुखी कह रहे हो, और सारी दृष्टि तो बाहर की बात टंगी, वहाँ वो क्यों बैठी, वो क्यों फोटो लगी वहाँ क्यों, इसका मतलब कि वितरागता बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति ये तीनों कहीं ना रुके, बिल्कुल खाली चित्त हो, दर्पण जैसा और सागर स्तब्ध हो, और जिसमें तुम्हारी चेतना का स्वयं का प्रतिबिंब दिखे, समझना हम वितरागी हैं, है ना? तो तीन भुवन में सार वितराग। अब बोलो विज्ञान का काम क्या है डॉक्टर साहब? मिले हुए पदार्थ को अलग कर देना, बस ये विज्ञान परिधि के पास घूमता है और वितराग विज्ञान केंद्र पर घूमता है, दोनों में इतना अंतर है। वो अचेतन को खोजता है और हम लोग चेतन को खोजते हैं, वो स्कंद में या परमाणुओं में जो मिला है उसे निकाल के फिर शुद्ध परमाणु देता है, या विश्व को नष्ट करने के लिए परमाणु को जोड़ करके बम बना के देता है, एटम बम जिसको कहते हैं, तो हजारों की हिंसा करता है, और जिससे हजारों की हिंसा हो रही थी, हम उस चेतना में से उन एलिमेंट्स को, उन स्कंदों को, उन विचारों को, उन भावों को, उन सपनाओं को, उन क्रियाओं को, उन प्रवृत्तियों को, उन भावनाओं को, उन आसक्तियों को निकालते हैं तो वितरागता आती है। आ गई? तो तीन भुवन में सात, पूरे लोक में अगर ग्रहण करने के योग कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, तो उसका नाम है वितराग विज्ञान, जो विशेष पर्याय कहलाती है, क्योंकि उत्पन्न हुई ज्ञान की ही पर्याय, लेकिन रिफाइंड ज्ञान की पर्याय है। हमारे पास सामान्य ज्ञान था, ज्ञान चेतना का स्वभाव है, देखना जानना स्वभाव है, लेकिन उस देखने जानने के साथ ऐसा लगता है कि प्योर दूध में बकरी का दूध मिल गया, अकौवे का दूध मिल गया, ऊटनी का दूध मिल गया, तो हमें स्वाद ही नहीं पता चला कि हम दूध पी रहे या क्या कह रहे, ना हम दूध है और पी कुछ और रहे, तो शब्द तो ओढ़ लिया आपने वितरागी होने का, लेकिन भीतर से वो वितरागा तो वितरागता के बाधक तत्वों को निकाले। आज इतना ही। हे जिनवाणी माँ, सरस्वती माँ, सुत देवता, सरस्वती देवी, पठन पाठन में अन्यथा सोचा हो, मन इधर उधर भटका हो, हम क्षमा चाहते हैं। अब जी